हेलो गाइस, आज देखेंगे इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिलाने से क्या होता है। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को क्यों बना रहे हैं, हम लोग मार्केट के अंदर देखे हैं बहुत सारा मिसकॉन्सेप्ट चल रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को ठीक से सब लोग नहीं समझते हैं, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। और मार्केट के अंदर बहुत सारा मिथ भी चल रहा है, वो भी हम लोग देखेंगे उसका सच्चाई क्या है। और हम लोग देखे हैं मैनिपुलेट हो रहा है बहुत सारा आदमी, किसके द्वारा, बहुत सारे एजेंट के द्वारा। वो लोग अपना कमीशन के चक्कर में कुछ भी सेल कर देता है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे इंश्योरेंस सेल कर देता है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके बाद देखेंगे इंश्योरेंस क्या है। तो एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से उसी को बोला जाएगा जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, मतलब जो महंगाई हम लोग का है। अगर मान लेते 6-7% महंगाई है हर साल, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट उसी को बोलेंगे 6-7% से अगर ज़्यादा रिटर्न हमको मिलता है साल में, तो उसी को हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अगर उससे कम होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका आपका पैसे का वैल्यू गिरता रहेगा हर साल। तो देखते हैं आगे इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस वही है जो हमारा जो रिस्क को कवर कर पाए। कुछ भी चीज़ का अगर हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, अगर बुरा वक्त के टाइम में हमारा जो रिस्क रहेगा वो कवर हो जाएगा, तो उसी को इंश्योरेंस बोलते हैं। इंश्योरेंस कितना टाइप का होता है एक बार देख लेते हैं। जैसे कार का और बाइक का, ये तो आप लोग बहुत अच्छा से जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे आदमी कार और बाइक की इंश्योरेंस कराते हैं। अगर कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है रिपेयरिंग के लिए। ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस भी है। आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर बाय चांस कुछ आपको हेल्थ में हो जाता है तो अभी मेडिकल कॉस्ट बहुत होता है, तो बैंक अकाउंट हमारा नील हो जाता है और हमारा उस टाइम पे बहुत उधारी भी हो जाता है। अगर एक इंश्योरेंस अगर हमारे पास रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस, तो हमारा ट्रीटमेंट पूरा फ्री में होगा। इसमें हम लोग देखे हैं कार के लिए कम से कम 2 लाख इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, बाइक के लिए 40,000 और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मिनिमम 5 लाख ये होना चाहिए। आगे देखते हैं जो है सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस। ये हमारा हर एक के लाइफ में कम से कम जो फैमिली में अर्न करते हैं, जिसके ऊपर फैमिली और मेंबर डिपेंड रहता है, तो वो फैमिली मेंबर का अगर कुछ हो जाता है तो क्या होगा। तो इसीलिए सबको एक एक लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। कार लाइफ इंश्योरेंस सबके लिए अलग अलग अमाउंट का लेना चाहिए, तो 50 लाख से 1 करोड़ मेरे ख्याल से एक सफिशियंट अमाउंट होगा उस फैमिली के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इंश्योरेंस भी देख लिए हैं और इन्वेस्टमेंट भी देख लिए। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जो है मार्केट के अंदर इसी को मिक्स कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस मिक्स कर देने से क्या होता है, उसमें आपके पास अच्छा से इन्वेस्टमेंट पर्पस भी पूरा नहीं होता है। क्या होता है, आपको 4-5% रिटर्न मिलता है। ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है जहाँ पे 4-5% का इंटरेस्ट मिलता है रिटर्न के हिसाब से, और एक इंश्योरेंस कवर में मिलता है 2-5 लाख। इसमें क्या होगा, आपका 4-5% इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर पाएगा और 2-5 लाख रुपया आपका रिस्क को भी कवर नहीं कर पाएगा। आज के डेट में 2-5 लाख रुपया में आपका फैमिली को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं होगा अगर आप नहीं रहेंगे। अगर आपको पैसा, अगर आप रहेंगे भी, आपको जो रिटर्न मिलेगा 4-5% वो भी सफिशियंट नहीं है। वो हिसाब से देखने जाएंगे, जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है आपका पैसा घट जाएगा। तो हम लोग को ऐसा जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे कम से कम 10-12% रिटर्न भी मिल जाए, और इंश्योरेंस भी हम लोग उस जगह में करेंगे कम से कम हम लोगों को 50 लाख का इंश्योरेंस मिल जाए। तो आगे हम लोग सब कुछ देखेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या क्या ऑप्शन है जहाँ पे हम लोगों को अच्छा रिटर्न मिलेगा। हम लोगों को तो नॉर्मली हम लोग सेविंग करते हैं, सेविंग अकाउंट में 2.5% के आसपास मिलता है। ये तो इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है, इमरजेंसी फंड के लिए तो ठीक है, कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो उसको हम निकाल सकते हैं। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करना है, हम लोग सबसे पहले बैंक चला जाते हैं, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है उसको इन्वेस्ट करेंगे। हम लोग बैंक मैनेजर हम लोग को FD करने के लिए बोलते हैं, वहाँ पे भी इंटरेस्ट आप देखेंगे तो 5-6% ही होता है। अगर RD भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे, तो उसमें भी 5-6% इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस पूरा फुलफिल नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट का और क्या क्या पर्पस है, लैंड आप खरीद सकते हैं, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है, छोटा मोटा अमाउंट में नहीं होता है।
और क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, कंपनी का स्टॉक, यहाँ पे आप कम पैसे से भी कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हैं। जो अच्छा अच्छा कंपनी है उसका स्टॉक खरीद के 5 साल 10 साल रखेंगे तो आपको भी अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, ये भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन स्टॉक खरीदने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना जरूरी है, कौन सा स्टॉक कंपनी का स्टॉक खरीदेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिस्क रहता है। और क्या है, गोल्ड, गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अब सब लोगों के पास थोड़ा मोड़ा गोल्ड होगा, लेकिन जो ज्वेलरी गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड है, उसमें वो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि आप ज्वेलरी जब खरीदेंगे तो उसमें मेकिंग चार्जेस लगता है और GST लगता है। और क्या देखते हैं, बॉन्ड, बहुत सारा बॉन्ड रहता है, और जो कंपनी का भी बॉन्ड रहता है, गवर्नमेंट का भी बॉन्ड रहता है, वहाँ पे आपको 10% तक रिटर्न मिलता है, तो वो एक अच्छा बॉन्ड होता है। और गोल्ड में भी एक बॉन्ड मिलता है जो गवर्नमेंट निकालते हैं, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, उसमें भी गोल्ड का जिस तरह से प्राइस बढ़ता है, बॉन्ड का भी प्राइस बढ़ता है, और उसमें 2.5% का फिक्स रिटर्न भी रहता है। तो अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड बॉन्ड सबसे बेस्ट है। और क्या है, म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड आज के दिन में एक बहुत अच्छा चीज़ है, जहाँ पे आपको कंपनी के स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना होता है, उसी के अंदर गोल्ड में भी, बॉन्ड में भी, तो वो एक कॉम्बो टाइप का होता है। उसमें आपको कुछ नॉलेज का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक एक्सपर्ट रहता है जो आपको पैसे को इन्वेस्ट करता है। और क्या है, NPS है जो आपको रिटायरमेंट प्लान के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है अभी तक इंडिया में। PPA पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% हो गया है, और ये भी पहले भी ज़्यादा था, अभी घट गया है, तो आगे भी उम्मीद करते ये और घट जाएगा, तो ये भी उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ठीक है। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे सबसे बेस्ट क्या है एक आम आदमी के लिए। मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का स्टॉक में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन रहता है, गोल्ड में भी, बॉन्ड में भी, या तो तीनों का मिक्स या तो दोनों का मिक्स। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें एक फंड मैनेजर रहता है, आपको कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसे को फंड मैनेजर अच्छा फंड में निवेश करके आपको रिटर्न कमा के देता है। और वो लोग जो कंपनी रहता है, जैसे SBI HDFC, वो लोग 1-2% लेता है। और इसमें एक बड़ा चीज़ की है, यहाँ पे आप 500 से भी शुरुआत कर सकते हैं हर महीना, तो एक छोटा छोटा अमाउंट जोड़ के कर सकते हैं, बढ़िया है। और देखा गया है इक्विटी म्यूचुअल फंड में 5-10 साल के होराइजन में 12% के आसपास रिटर्न मिल जाता है, तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं, आप सब लोगों को एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू।